हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज है शादी वाला दिन है, तो आज बारात जाएगी। तो सुबह से लेकर शाम तक का ब्लॉग मैं आप लोग का शेयर करूंगी, और इससे पहले का जो भी ब्लॉग है आप लोगों ने देखा है तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत मजा आने वाला है आज। ये देखिए, मैंने मेहंदी रखा है, इतना खास नहीं चढ़ा है लेकिन अच्छा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी शुरू करते हैं यहाँ से ब्लॉग। आप लोगों को पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या हमने सुबह से किया, क्या तैयारी किया हमने और क्या क्या पहन रहे हम लोग, पूरा पता चलेगा। चली मैं अपने देवर की बारात लेके, मैं तो नहीं जाऊंगी लेकिन सब जाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, ये देखिए सुबह सुबह का माहौल है, ये आप देख सकते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया है और यहाँ पे चाय गर्म कर रही हूँ, देखिए गैस में। तो अभी चाय पियेंगे हम लोग, और बाहर रस्म हो रहा है, माड़ो गड़ाता है, वो माड़ो गड़ा चुका है। और उसके बाद क्या हुआ, अभी लावा बुझाया है, तो वही मैंने थोड़ा हल्का फुल्का आप लोगों को दिखाया। सब लोग चले गए हैं और जानते हैं ज्यादा नहीं करते, बहुत लोग कैमरा में आना पसंद नहीं करते, वीडियो बनाओ ऐसे बोलते हैं, तो इसीलिए जितना हो सके उतना कम है। फिर से दिखाती हूं आपने, जिनको जिनका हो रहा था लावा, जैसे पैसा सब देते हैं, ऐसे कुछ है रसम होते, तो सब हो चुका है। और यहाँ चाय गर्म हो रहा है और चाय के साथ मैं खाऊंगी ये टोस्ट। ये गाँव में बहुत ज्यादा मिलता है, जो गाँव में रहते होंगे उन लोगों को पता होगा ये वाला टोस्ट गाँव में ही ज्यादा मिलता है। तो कमेंट बताइएगा आप लोग अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। तो चलिए चाय पी के मैं आप लोग से मिलती हूँ, मिलते क्या। चाय गर्म हो चुका है, किसी का पता ही नहीं है। वही नहीं है, वही नहीं है, वही नहीं है। प्लास्टिक के गिलास ले लिया है चाय देने, तो प्लास्टिक के गिलास लेने गए क्योंकि ये सब ग्लास धोते धोते सब परेशान हो जाते हैं, तो चाय खाऊंगी। उसके बाद मैं नहाने के बाद सब लोग 3 बजे से रात को हम लोग सोए हैं, डांस वगैरह करके कम से कम 1 बजे हम लोग सोए, मतलब पहले मेहंदी वगैरह सब ये सब देखे। मेहंदी वगैरह इतना खास नहीं चढ़ा है इस बार, पता नहीं क्यों। तो सब लोग मेहंदी रखे, मेहंदी रखने के बाद खाना वाना हुआ है, खाना खाने के बाद हम लोग बहुत सारा डांस किया, 1 बजे तक हम लोग डांस किए, बहुत मजा आया। उसका वीडियो पता नहीं शूट हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं किसी से लेकर जरूर अपलोड करूंगी। और फ्रेंड्स, बहुत मजा आया, और आज चाय में दे अमक चाय अरे बाप, 550 के पर्स है, और क्या नाम है, 500 का शर्ट है, और चूड़ी नहीं लेनी, नीला वाला चूड़ी लेनी है जो अच्छा नियम कही है। लोग चाय पी चुके हैं, मैं भी पी चुकी हूँ चाय, नमकीन मैंने खा लिया, तो अब चल रहे हैं नहाने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नहा के। नहाने के बाद देखिए कोई रस्म होगा, कुछ छूट जाए तो प्लीज़ फ्रेंड्स बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता होगा, या नहीं पता है तो आप सुन लीजिए, वो लोग कैमरे में आना पसंद नहीं करते, तो वही बात है, लग रहा है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वही बात है। और जैसे हम लोग वीडियो बनाते थे, उन लोग की नज़र में ये है, अरे बाप रे वीडियो बना भी ले, तो वही चीज़ है, किसी का मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा, मतलब सपोर्ट रहेगा और जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, तो लगेगा जब, मतलब पैसा रहेगा ना, सबको अच्छा लगेगा, तो सबको लगेगा कि हाँ चलो जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सबसे नहाने के बाद, ओके फ्रेंड्स, तब तक बने रहिए। तो चलते हैं नहाने के लिए, देखते हैं क्या क्या हो रहा है अंदर जाके, तब बताती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सब नहा वहा लिया सभी लोग ने, और तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखिए आलू छिला रहा है, देख सकते हैं आप, खाना बन रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए मारो गड़ा गया, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मामी मेरी प्यारी सी मेहंदी लगवाएगी, लगा के, अब उसके बाद कड़ू के तेल से छुटा रही है, अच्छा तेल से चूड़ी पहन रही है। कुछ बोलिए मौसी जी, मौसी की साड़ी निकाल के ऐसे कैसे कहा, तब खुद ही बोलिए मुझे, क्या बोलिए, आई लव यू, उनका मौसा है, हां मौसा क्या होता है, ब्लॉग मत लिया दे लू, हां एकदम संगीत ब्लॉग मत। हाय फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं नहा चुकी हूं, नहा के मैं मिलती हूं आपसे, और अब होने जा रहा है क्या, कोई रस्म होने जा रहा है, मुझे नहीं पता है, पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, लावा भुजाई वाला कोई रस्म हो रहा है, हो गया है, पता नहीं चला मुझे। तो फ्रेंड्स, रास्ता सुनसान है, अभी सब अपने अपने घरों में है, ये बुढ़िया लोग बतिया रहे हैं, पापा जी के लिए रोटी, और ये पानी गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को दिखाऊंगी, और कमेंट तो फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक है, ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं,
कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और गांव में तो पल्ला लेना पड़ता है इस तरह से। उसके बाद मैंने कुछ रील्स बनाए, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत ही मज़े से सो रहे हैं क्योंकि मम्मी लोग तैयार हो रहे हैं और बच्चे भी तैयार होंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स तो मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होने के बाद। यहाँ देखिए सब तैयार हो रहे हैं, ठीक है मैं भी चलती हूँ तैयार होने। तो तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। तो ये मैं तैयार हो चुकी हूँ फ्रेंड्स, कैसी लग रही हूँ आप बताइएगा। मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। ये देखिए यहाँ भी सब तैयार हो रहे हैं, मतलब एकदम बिजी है सब मेकअप। तो ये मेरा फाइनल लुक है, अब बारात निकलने वाली है, चले चला जाए। बाहर देखिए सब लोग सेल्फी, कोई फ़ोटोशूट, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई अपना ड्रेस देख रहा है, मतलब सब बिजी हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों और सब तो ठीक है लेकिन ये गाना मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों आपसे बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं सब। यूपी की शादी और ऑर्केस्ट्रा ना आए ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। तो फ्रेंड्स वो देखिए ऑर्केस्ट्रा डांसर डांस कर रही है और सब भी डांस कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। देखिए ऐसे ही चारों तरफ जाके लोग जितने भी भगवान के स्थान होते हैं ना सबका दर्शन करते हैं शादी में, मतलब बारात निकलने से पहले। तो वो देखिए दूल्हा महाराज। बारात के आगे बढ़ने से पहले तो फ्रेंड्स आप लोग सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि जब भी कोई शुभ काम हो तो यहाँ दर्शन करने से वो काम सफल होता है। तो आसपास की जगह में शादी से पहले लोग दर्शन ज़रूर करते हैं यहाँ। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से बारात निकलेगी। यहां पे देखिए मामी जी और रवि हैं, कोई रस्म है जो ऐसे खेत में करते हैं, मुझे पता नहीं है। और वहां आप सामने देख सकते हैं, देखिए आगे एक आदमी पी के लुढ़का हुआ है, वो देखिए वहां पे। और फिर ये रस्म करके परछावन होगा गाड़ी में, उसके बाद फिर सब लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे नियम है ना कि ऐसे मतलब लुटाते हैं, पैसे लुटाते हैं, फिर बच्चे उसको ऐसे लेते हैं, खाते हैं। देखिए ये दादी देखिए लुटा रही है, ऐसे लुटाते हैं सारे बच्चे, देखिए उठा रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। आप लोग यहाँ होता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइए। और वहाँ पर देखिए डीजे में मतलब डांस करके एकदम बहुत ही मज़ा आ रहा था, देख रहे हैं आप। फिर मुझे भी खींच के लेके गए लोग डांस करने के लिए। अभी देखिएगा ब्लू कलर की साड़ी पे मैं डांस कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए वो सब लोग कर रही हैं। तो फिर मुझे भी खींच के ले गया, मुझे बहुत शर्म आ रहा था ऐसे रोड पे डांस कर, इसलिए मैं मेरा मुंह आप लोगों को बहुत कम ही दिखेगा, मैं मेरा पीछे का ही जो भी पोर्शन है आपको देखने को मिलेगा।
तो ऐसे रूट में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अब सब बोल रहे हैं तो इसे थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो कैसा किया मैंने आप बताइएगा, आपको कमेंट्स आप बताइएगा, और मैं कैसी लगी थी ये भी बताइएगा, मेरा डांस कैसा लग रहा था, मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ गलत लगे तो भी इग्नोर करिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे इतना कुछ पता नहीं है गांव के बारे में, तो जो भी हो सॉरी उसके लिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों बारात चली गई है, हम लोग घर वापस आ चुके हैं, अब हम ड्रेस चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पता है गांव में फ्रेंड्स बारात चली जाती है, जब बारात चली जाती है तो जो भी औरतें हैं गांव की वो सब कुछ ना कुछ मतलब कैरेक्टर प्ले करती हैं, बनती हैं कुछ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए हमारा डांस देखने के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स ये वाला पार्ट भी यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये अब हम लोगों ने कुछ वीडियो और ये फोटो शूट किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ओके बाय बाय फ्रेंड्स।